बड़ी खबर, नैनीताल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला से सवाल उठाए गए कि जब बॉर्डर पर इतनी सुरक्षा है, इतनी फोर्स तैनात है, तो फिर इतनी दवाइयाँ कैसे आ रही हैं और इतने आतंकी कैसे देश में आ रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सब के सब मिले हुए हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सब हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। और अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फारूक अब्दुल्ला किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर आतंकी घटनाओं को लेकर अब सेना बल पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इसी पर मीडिया से बातचीत पर जम्मू कश्मीर के DGP ने निशाना साध दिया है और ये कहा कि इस तरह के बयान हमारी सेना बल के जवानों को मनोबल तोड़ने के लिए हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला कि फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि निंदनीय भी है कि उन्होंने आगे की भी ये कहा कि सुरक्षा बल के जवानों में जम्मू कश्मीर के जवानों ने जम्मू कश्मीर और देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल पर सवाल खड़े किए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए सुरक्षा बल की जिम्मेदारी दोहरा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयानबाज पर माफी मांगने से भी बिल्कुल इनकार कर दिया है। मुझे बताइए, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज है, फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए। और अब फारूक अब्दुल्ला और इंसबिया पर BJP पूरी तरह से हमलावर है। जम्मू कश्मीर के BJP नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शर्मनाक और सेना की कुर्बानी का अपमान करने की बात कही है। अब्दुल्ला बेहद ही सीनियर राजनेता है और उनकी तरफ से इस तरह का भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना हमें लगता है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से भारतीय सेना के उन वीर जवानों के बलिदानों के ऊपर सवाल उठाना है जो अपना सर्वोत्तम बलिदान देश पर नशावर करते हैं। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा। फारूक के इस बयान को लेकर अब सियासत बहुत तेज हो गई है और सेना बल और जम्मू कश्मीर के BJP नेताओं ने भी फारूक अब्दुल्ला को इस बयान पर जमकर निंदा कर दी है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।